हाई गाइज तो जैसे मुझे मैसेजेस आए एच पी का जब लैपटॉप लिया था एक महीने पहले तो काफ़ी कमेंट्स और साथ में डीएम पर्सनल डीएम आए कि मुझे इसका रिव्यू बताओ तो अभी वन मंथ हो गया है इसका यूजेज का एंड नाउ आई कैन रिव्यू इट इजीली सो ये है मेरा लैपटॉप काफी सही है सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड में लिया ये लैपटॉप प्लस मैंने टू इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी पंद्रह सौ दे के कराया बिकॉज दिस इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी एंड इन्वेस्ट करना ऑफकोर्स अपने लिए वारंटी के साथ हो तो सही रहेगा तो ये मैंने मेरे काम के लिए लिया है लैपटॉप स्पेशली क्लाइंट वर्क रहता है या फिर अपना पर्सनल यूज भी चलेगा बट मोस्टली क्लाइंट वर्क ही रहता है सो so, कैरी करने के लिए मेन इशू हो रहा था कि बहुत हैवी uh, लैपटॉप्स थे मेरे मेरे पास जो लैपटॉप था डेल का वो हैवी लैपटॉप था तो मेरे को कैरी करने के लिए ऐसा लैपटॉप चाहिए था जो मैं एक हाथ से कैरी कर सकूँ इट्स लाइक अ नोटबुक सो इतना वज़न नहीं है ऊपर से ये सिर्फ थर्टीन पॉइंट थ्री इंच डायगनली है इसका साइज एंड ये आप देख सकते एकदम काफ़ी कूल cool दिखता है ये वाला व्हाइट कलर का सरफेस बट थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो एवरी टाइम उसको क्लीन रखना पड़ता है सो so, यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है अपना लैपटॉप यहाँ पे एनवी लिखा हुआ है यहां से हम लोग का जो भी सी का प्रोसेसर होता है थोड़ा गर्म हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है ये एक इशू हो रहा है एंड ये जो है थोड़ा सा टिल्टेड है ये साइड का एज कम्पेयर टू दिस दिस इज वेरी स्ट्रेट अगर आप देख सकते हैं एंड ये थोड़ा सा टिल्टेड आपको दिखेगा जो एकदम पॉइंट पे नहीं है तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार इतना पैसा देके ऐसा क्यों दिया उन लोगों ने एनी अभी वो तो छोटी चीज़ इग्नोर कर सकते लेकिन इतना भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ऑफकोर्स इट्स अ बिग अमाउंट एंड ये मेरा कन्वर्टिबल लैपटॉप है इसका मॉडल नंबर थ्री सिक्सटी लाइक एच पी एन वी थ्री सिक्सटी ए वाई वन जीरो सिक्स फाइव ए यू है एंड दिस कम्स विथ राइजन फाइव फाइव थाउजेंड सीरीज जैसे तुम देख सकते हो एंड ये ए का ग्राफिक कार्ड है इसमें एंड इसमें ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड है फ्री का विथ लाइसेंस सो ये आप देख सकते हैं ये मेरा कीबोर्ड है ये कीबोर्ड में प्री इंस्टॉल नहीं था ये मेरे को खरीदना पड़ा ऑफ़ कोर्स बिकॉज मुझे मेरा कीबोर्ड सेफ रखना है एंड uh, इसमें डस्ट ना चला जाए उसके लिए एंड ये है फिंगरप्रिंट हम लोग को नई चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है ये है फिंगरप्रिंट जो मेरे पुराने लैपटॉप में डेल में थी ये साइड में एरिया में बट वो जल्दी यूज जल्दी स्कैन नहीं होता था और ये एकदम इमिडेट स्कैन हो जाता है और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये कैमरा फिलहाल मैंने हाइबरनेट मोड पे रखा था तो जल्दी स्टार्ट हो जाता है सी एकदम फास्ट क्विक यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट यूज कर लेते हैं इमीडियट ओपन हो गया इमिडियट विदाउट एनी इश्यूज एंड यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है ये ये न्यू है बटन एंड ये बटन क्यों यूज होता है जब ये रेड है मतलब फ्लैप ऑन है फ्लैप रखा गया है कैमरा पे कभी आप लोग मीटिंग अटेंड करते हो गलती से वीडियो ऑन रह जाता है हम लोग को आइडिया ही नहीं रहता है एंड समाइम्स गलती से तुम आ, कुछ पर्सनल चीजें भी किसी को दिख जाती है जैसे उसका मीम बन जाता है फिर बाद में इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बटन डायरेक्टली दिया गया है सो so यहाँ पे फ्लैप हो जाता है इवन कभी कभी डेटा का भी चोरी होता है जैसे गूगल का वगैरह फेसबुक वाले डायरेक्टली कैप्चर करते हैं तो वो चीज यहां पे नहीं होगा मतलब तुमको स्टिकर लगाने की गरज नहीं पड़ेगी अभी आप देख सकते हैं मैं ये बटन पे क्लिक करने जा रही हूं तो ये हट जाएगा व्हाइट कलर हट गया यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया कि कैमरा अभी ऑन है अभी वापस में ऑन क्लिक करती हूँ फ्लैप आ गया सो so, यहाँ पे कैमरा ऑफ हो गया है इवन यहाँ पे आपके पास माइक्रोफोन का भी है टैब सो ये क्लिक करेंगे तो मतलब माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा और ये ऑन मतलब चीजें न्यू चीजें देखने को मिल जाती है यहाँ पे तो ये ओवरऑल हमने कीबोर्ड का देख लिया बाकी चीजें तो नॉर्मल जो सब में मिलती और एक चीज ये भूल गई सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि अगर रात को आपको काम करने का आदत है और आपके मतलब आपका नाइट शिफ्ट है और दूसरे को आपको परेशान नहीं करना एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है लाइट बंद रहेगा तो भी तुम ये ऑन करो तुम्हारा कीबोर्ड दिखेगा लाइट होके लाइट अप होगा और तुम डायरेक्टली टाइप कर सकते हो कुछ काम रहेगा तो इजीली तुम यूज कर सकते हो इसको एंड डिम भी करना है थोड़ा लाइट तो वो भी अवेलेबल है पूरी तरह से बंद भी अवेलेबल है सो ये था कीबोर्ड का फंक्शन बाकी आ, देखा जाए तो इसका फास्ट यूजेबिलिटी मुझे तो इसका इंटरफेस तो बहुत अच्छा लगा ऑफकोर्स ये विंडोज 11 है तो एकदम कूल cool है एंड फास्ट यूजेज भी होता है मुझे कभी बंद करना है इमिडेटली मैंने सिर्फ फ्लैप बंद कर दिया कुछ भी नहीं किया एंड ऑन करना है तो जस्ट फ्लैप ओपन करना है सो so, मेरे को फ्लैप बंद कर दिया फ्लैप ऑन कर दिया ये बटन भी ऑन कर दिया तो इमिडेटली मेरा लैपटॉप भी चालू हो जाता है क्विकली इसमें मैंने फिंगरप्रिंट रखा है फिंगरप्रिंट को स्कैन करूँगी ये एक तकलीफ है कि इसका बार बार ओपन करना पड़ता है इसलिए मैंने आ, ये रखा था वड़ी से पिन रखा था तो देर तो आर ऑप्शन कि तुम्हें कौन सा सिक्योरिटी रखना है और ये चालू करते ही इमिडियटली तुम क्रोम ओपन करो इमीडिएट ओपन हो जाता है सब ब्राउजर्स सब बट बटन्स क्लिक करो इमिडियट सब चीज़ें ओपन हो जाती है मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं है एकदम स्लो नहीं है लैपटॉप सब चीज़ें एकदम फटाफट ओपन हो जाता माइक्रोसॉफ्ट स्टोर तक ओपन हो गया जस्ट सी इट, थोड़ा फोकस यहाँ हिल रहा है ओके okay, तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा मुझे तो काफी सही लगा एंड बेस्ट थिंग इज ये कन्वर्टेबल है मतलब कि ये लैपटॉप पूरी तरह से घुमाएंगे 360 में तो ये टैब की तरह हम लोग यूज कर सकते तो यहाँ पे मेरा पेन एक सेकेंड मैं पेन लेके आती आता so, सो ये है वो पेन स्टाइलस पेन जो हम लोग का टच स्क्रीन ओके okay, मैं बताना भूल गई कि ये टच स्क्रीन है लैपटॉप ठीक है मेरे को कभी फटैक से कुछ क्लिक करना है यहां से मेरे को आ, माउस से कंटा ला रहा है या समथिंग लेजी ऑफकोर्स जहाँ टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है वहां पे लेजीनेस भी ग्रो हो रहा है तो बेसिकली कुछ भी क्लिक करना है सो आई हैव दिस स्टाइलस पेन और इवन हाथ से भी हम लोग क्लिक कर सकते कोई भी चीज़ है ठीक है तो ये हो गया और इसको कन्वर्टेबल मैं बता देती हूँ कैसे दिखेगा तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ ये रहा कन्वर्ट कर दिया सो so लैपटॉप तो ये अपना कीबोर्ड सिक्योर्ड है एंड ये ऑटो रोटेशन में है इसलिए रोटेट हो रहा है नेक्स्ट ये रहा अपना व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड भी मैं दिखा देती हूँ व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहे हैं न्यू व्हाइट बोर्ड सो ये है वाइट बोर्ड यहाँ पे कुछ भी तुमको टाइप करना है कुछ भी तुम्हें नोट्स निकला लिखना है तो वो तुम लिख सकते हो इजीली विदाउट एनी इश्यूज लाइक पॉइंटर वन ये ये कुछ दे दिया क्लाइंट ने तो आपको लिखने के लिए भी ये ईजी है ड्राॅइंग करने के लिए भी ईजी है किसी को ग्राफिक का ड्राॅइंग करना लेकिन सबसे मेन पॉइंट यह है कि ये लैपटॉप से तुम वीडियो एडिटिंग तो मत ही करना बिकॉज uh, मैंने ट्राई किया था एडिटिंग करने को सो so मेरा लैपटॉप हैंग तो नहीं हुआ ऑफकोर्स बट uh, पीछे से जो मैंने बोला कि वो ब्लैकिश थोड़ा हो गया है तो वो थोड़ा सीपीयू uh, का गर्म हवा के वजह से हो जाता है तो उससे अगर सी सी पी ओ का ये साइड में सेक्शन है उससे ये वाला सेक्शन खराब ना हो इसलिए वीडियो एडिटिंग के लिए ये लैपटॉप तो आई विल नेवर से ने ग्राफिक कार्ड अलग से है नहीं अलग से इसके लिए दो आ, दो, 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 दो वरियो से दो जी बी का या समथिंग ग्राफिक कार्ड होता है तो वो नहीं है इसमें अलग से स्लॉट तो ये जो मेन मेमोरी है उसको यूज करेगा एंड उससे हीट ज्यादा जनरेट होगा और लैपटॉप तो थोड़ा परफॉर्मेंस भी स्लो हो सकता है तो आई वुड से कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मेरी यूजेज के हिसाब से सही है क्योंकि ये लाइट वेटेड भी है छोटा सा है कैरी करने के लिए इजी है नोटबुक की तरह है एंड जल्दी से फ्लैप बंद कर दो जल्दी से फ्लैप ओपन कर दो एंड इमिडिएटली चालू कर दो लैपटॉप अपने लिए वैसा टाइप का लैपटॉप है अपने लिए ये सबसे बेस्ट है अगर तुम्हें कुछ और यूज के लिए चाहिए तो वो तुम देख सकते हो सो so, थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर कुछ अपडेट करना है तो मैं दूसरे वीडियो में कर दूंगी थैंक यू बाय बाय और एक चीज कि ये जो स्टाइलस पेन है वो यहाँ पे स्टिक हो जाता है मैग्नेट है यहाँ पे मैग्नेटिक सरफेस है तो ये गिरेगा नहीं कभी इधर उधर पेन नया चला यहाँ वहाँ ना चला जाए करके इस पर रखा जाता है तो इट्स एजी थिंग यहाँ पे यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे भी यहाँ पे भी स्टिक होता है जस्ट इन केस कभी तुम यहाँ वहाँ ऐसे डाल दिए तो वो कैसे कभी घूम जाता है तो इस बेटर कि यहाँ पे तुम स्टिक कर दो या फिर इसको फ्लैप बन करके इधर स्टिक कर दो सो so, ये एक अच्छा फीचर है फॉर स्टाइलस पेन